YouTube चैनल पे। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि कैसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को लेकर के या सेंटेंस में मॉडल आ जाए तो उसे लेकर के हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म को फिल करना है, तो वही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। आज उसी सीरीज में पार्ट टू हम लेकर के आए हैं जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल की जाती है वो सीखेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फिर से एक छोटी सी अपील, वीडियो को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हालांकि अभी मैं ये ट्रांसलेशन के रूल्स यहाँ पर नहीं बताने जा रहा, जो सिंपल रूल्स है कि किन बातों को हमें फॉलो करना है बस उसी पर डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेशन जो है उसका पूरा एक टॉपिक हम अलग से ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो नियम है, जो रूल है, वो हमें क्या ध्यान रखना है कि कुछ एडवर्ब्स जो है ये कहता है कि सेंटेंस में हमारे को दी गई रहेगी जिसमें से नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस प्लस टाइम। अब दिस प्लस टाइम से क्या मतलब है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने हालांकि लिखा नहीं है, आप अपने नोटिस में रखें कि दिस का जो प्लूरल होता है दीज, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही हिस्सा रहेगा। तो इनमें से कोई भी अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आपको सेंटेंस में मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई सब्जेक्ट के रूप में है तो आप एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई रहती है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं एग्जांपल पे। जैसे यहाँ हमारे को दिया है लता डैश रीड अ नावल नाउ, तो आपका काम है सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को फाइंड आउट करना। तो इस सेंटेंस में हमारे को क्या मिला, नाउ, तो इस नाउ के आते ही आपको क्या मालूम चला कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और अब आप चले जाओगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट कौन है, लता, लता क्या है, सिंगुलर, ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इज, और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ ब्रैकेट में दी गई थी उसके साथ में हमने लगा दिया आईएनजी। तो सिंपल सा तरीका है, बस जोर देना है तो किस पे, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेगी, अगर इनको सीख लिया तो आप ये श्योर हो जाए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी, चाहे स्कूलिंग लेवल पे हो चाहे कंपटीशन लेवल पे हो, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, द टीचर्स डैश टीच एट प्रेजेंट। अब यहाँ आप नोट करें क्या दिया है, एट प्रेजेंट, और इसकी वजह से मालूम चल गया टेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आप आ जाओ सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट है द टीचर्स, ठीक है, ये है प्लूरल, तो प्लूरल होने के कारण हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी का प्रयोग किया जाएगा। तो कितना सरल है देखो, ठीक है ना, आपको चीजें सारी पता रहती है लेकिन माइनर जो अवेयरनेस है अगर थोड़ी सी वो हमारे में आ जाए तो फिर हमारे सेंटेंस को सही होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस पर, आई डैश वॉच अ मूवी एट द मोमेंट। तो यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी है, एट द मोमेंट, तो इसको देखते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिमाग में आया। फिर हम चले सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट है आई, आई के अकॉर्डिंग हमने क्या फिल कर दिया, एम, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है ना। तो सॉरी, तो आपने देखा कि कितना इजी है कि जब हमारे को टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का नॉलेज होता है और
सही सब्जेक्ट की पहचान हम कर लेते हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, या और भी जैसे अब यहाँ पर आई आया है तो आई के साथ में ना तो इस लग रहा है ना आर लग रहा है, तो क्या लग रहा है? एम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी जो जानकारी है ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब चलते हैं इसी टेंस के रूल नंबर टू की ओर। ये क्या कहता है? नियरेस्ट फ्यूचर। अब नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब क्या है कि हाथ बढ़ा करके पकड़ लिया, मतलब जस्ट निकट, कल परसों, ठीक है, आने वाला, ना कि बीत गया। तो ध्यान रखें कि निकटतम भविष्य या फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान के लिए, ठीक है। अब इनसे हमारे को अगर कंफ्यूजन होता है तो आप एक छोटी सी चीज करें कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को आप याद कर लें। कौन कौन सी? टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम एंड दिस प्लस टाइम। वैसे दिस प्लस टाइम ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर टुमारो और नेक्स्ट तो फ्यूचर इनडेफिनेट में आता है या फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ पर विल और शैल का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आप विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हो टुमारो और नेक्स्ट के साथ में, लेकिन ये कह रहा है कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग भी अगर करते हो तो वो गलत नहीं होगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो इसी पे ध्यान दें। सेंटेंस कहते हैं ही डज गो टू चेन्नई टुनाइट। अब देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जैसे वो खाना खा रहा है, मतलब अभी खा रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये कह रहा है कि वह चेन्नई जा रहा है कब? टुनाइट, आज रात को। तो अभी गया तो नहीं है ना, निकट भविष्य की बात हो रही है, तो इसको भी हमने क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिया है। अब सब्जेक्ट की ओर आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट कौन? ही। अब ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? इज, और जो फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ में आईएनजी को ऐड कर दिया, ठीक है। यहां आप चाहो तो ही विल गो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला इसको। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस को लेते हैं, ये क्या कहता है? आई डैश गो होम टुमारो। टुमारो से मतलब आने वाला कल, तो इसमें आप चाहो तो शैल का यूज कर सकते हो और इसे आप लिख सकते हो आई शैल गो होम टुमारो, लेकिन अपना टेंस है अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें ध्यान रखें भले ही टुमारो आया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? एम का प्रयोग किया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। दे डैश लीव फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। यहाँ आप चाहो तो दे विल लीव भी कर सकते हो, लेकिन फिर से वही बात, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो बिंदास आप क्या करेंगे? दे के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी और जो फर्स्ट फॉर्म थी इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दिया। तो है ना इजी, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब पे करो, ठीक है। इनको एक जगह आप कॉपी कर लें टेंस वाइज और याद करें बार बार, चार्ट बना के चिपका दो कहीं पर भी, ठीक है ना, और निकलते हुए एक नजर डाल दो उसके ऊपर, ठीक है। अब अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें भी ध्यान रखें आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को ही फॉलो करना है। यहां पर मैंने सुविधा के लिए लिख भी दी है, देखो क्या कहता है कि सेंटेंस में निम्न एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस आने पर रिक्त स्थान में क्या करोगे आप? हैज, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी इसमें, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब कुछ एडवर्ब्स जो भी है उनको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। पहला है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या है? पहले ही या पहले से ही। फिर है येट। येट का मतलब है अब तक या अभी तक। फिर नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का मीनिंग है
तुरंत, इसके बाद में लेटली, लेटली का मीनिंग है हाल ही में, फिर है रिसेंटली, रिसेंटली का मीनिंग भी हाल ही में, फिर सो फार का मीनिंग है अब तक या जहां तक, ठीक है, फिर अप टू नाउ या अप टू प्रेजेंट, इसका मीनिंग है अभी तक या वर्तमान समय तक, एंड लास्ट वन इज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू। अब देखो, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू के साथ में कोई भी टाइम, और टाइम ध्यान रखना प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं होगा, जैसे डेज, वीक्स, मंथ्स, इयर्स, ये सब। तो इसमें देखो लास्ट में एस लग रहा है, प्लूरल है ये, ठीक है। जैसे हिंदी में देखो क्या लिखा है हमने, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान, ठीक है, तो अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान नहीं, सप्ताहों के दौरान, प्लूरल, तो ये चीज है। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स, इनको ध्यान से आप देखें, सेंटेंस में कहीं पर भी ये आती है तो आप ये ध्यान रखें टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे यहां फर्स्ट सेंटेंस में रिसेंटली आया, सेकंड में आप देखो येट आया, फिर थर्ड में आप देखो ऑलरेडी आया है, फोर्थ में यहां अप टू नाउ का प्रयोग। तो ये जो एनसर्कल किया हुआ है जिनको, वर्ड्स को, ये सारी की सारी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, तो ये आपकी हेल्प करेगी टेंस को पहचानने में। टेंस पहचान में आते ही हमारे को क्या याद आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, और फिर जाना है हमारे को सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करें, देन ब्रैकेट में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही ईजी है, आप और भी एक्सरसाइज इन रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं बता दूं, इसमें जैसे थर्ड सेंटेंस है, ऑलरेडी अगर बीच में आ रहा है डरने की जरूरत नहीं है, एक तरफ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और दूसरी तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से यहां आप देखो नॉट का यूज हुआ था और दोनों तरफ फिलअप्स है, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, दूसरी तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से चौथे सेंटेंस में भी आप देखो, ठीक है, तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी है। और देखो ये तो एक छोटी सी ट्रिक है, आपको खुद को इन रूल्स को फॉलो करके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा करके आपको ये एडवर्ब्स याद हो जाएगी, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। यहां छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, तीनों के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी टाइम की, किसकी, टाइम की, और टाइम के साथ में सेंस और फॉर की। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पहले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे आपको पास्ट और फ्यूचर में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रेजेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो नियम है, और दो नियम क्या कहते हैं, एक में तो ये कहता है कि आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा, और दूसरा नियम कहता है कि आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। हालांकि वो तो दो सेंटेंस है वो आपकी हेल्प ही करेंगे, कोई डिफिकल्टी उत्पन्न नहीं करने वाले, तो नियम पे चलते हैं। क्या कहता है देखो, कि रूल नंबर फर्स्ट में कह रहा है केवल एक ही वाक्य दिया गया हो, साथ ही वाक्य में समय व समय से पूर्व क्या मिल जाएगा, सिंस या फोर। तो सिंस या फोर आने पर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, दोनों में से कोई एक, फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है, सरला डैश क्लीन माई रूम फॉर 2 आवर्स। यहां देखो ये टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, इसके पहले हमने यूज किया है फॉर,
फॉर और सिंस का मेरे हिसाब से आपको पता होगा यूज कहाँ होता है, नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि जो समय निश्चित है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो उसके पहले सेंस लगाएं, और ऐसा समय जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वहां पर फॉर लगाएं। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 बजे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बजे जो है वो निश्चित समय है, लेकिन यही मैं कह दूं 1 घंटे से, तो 1 घंटा कौन सा, दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें जानकारी नहीं है। इसी तरीके से मैं कह दूं सोमवार से, तो सोमवार आपको पता है सप्ताह का पहला दिन, और यही मैं कह दूं 1 दिन से या 2 सप्ताह से, कौन से 2 सप्ताह नहीं मालूम। तो जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है वहां पर आप फोर का यूज करेंगे, और जिसकी जानकारी है मतलब समय की, तो वहां पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे। ये हालांकि प्रीपोजिशन का टॉपिक है, वहां पर भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको दी है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे को समय के पहले फॉर का प्रयोग मिला है, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वर्ब सारी है, ठीक है। अपने को डिसाइड करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सरला है, सरला एक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या फिल किया, हैज, फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस है आई डैश प्ले चेस सिंस 2 o'clock। अब देखो यहां पर समय दिया है 2 o'clock, अब दिन में 2 कब बजते हैं, अगर 24 घंटे के हिसाब से आप टाइम को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो 2 बजते हैं रात को, और 12-12 घंटे के हिसाब से करते हो तो भी आपको मालूम है, एक तो दिन में बजते हैं एक रात में बजते हैं, ठीक है। तो मतलब समय की जानकारी है, और इसीलिए इसके पहले क्या यूज हुआ है, सेंस। तो अभी हमारे को ध्यान रखना है कि समय और समय के पहले सेंस फॉर आ जाए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारे पास आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या फिल किया, हैव, और बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं, हाँ एक चीज बता दूं, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव, यू नहीं कि आप आई को जो है वो सिंगुलर माने और हैज का प्रयोग करते हैं, गलत हो जाएगा वहां पर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में मैं पहले कह चुका हूं आई जो होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। अब यहां पर लिया हमने दे डैश टीज अस सिंस मॉर्निंग, अब देखो मॉर्निंग ये भी फिक्स है, सुबह कब होती है, जब सूर्योदय होता है, तो इसके पहले सिंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है आपका, दे, तो दे के अकॉर्डिंग हैव, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टीज, टीज का अर्थ क्या होता है, चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टीज, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर टू की ओर बढ़ते हैं, ये क्या कहता है कि यदि 2 वाक्य एक साथ आ जाए, आप इस चीज को ध्यान दें, कितने वाक्य, 2 वाक्य, जिसमें से 1 वाक्य में समय के साथ सिंस फॉर ऊपर वाला नियम यहाँ रिपीट हुआ है, ठीक है ना, और दूसरा वाक्य ये क्या कहता है कि इस वाक्य में आपको प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई भी पहचान मिलेगी, तो उस पहचान को लेकर के आप ये क्लियरली तय कर पाएंगे कि ये तो प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। कैसे, तो देखो जैसे ये एग्जांपल दिया है, माई मदर डैश कुक फॉर हाफ एन आवर, ये तो हो गया एक सेंटेंस, ठीक है, कॉमा से पहले, और इसके बाद में आप देखें बट के आगे ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस में आप देखें टाइम दिया हुआ है और टाइम के पहले सिंस या फोर का प्रयोग है, ठीक है। अब आप जब आगे बढ़े तो आप और ज्यादा श्योर हो जाओगे कि यहाँ हैज और फिनिश्ड का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब येट का प्रयोग भी किया गया। तो इतनी सारी चीजें मिलकर के हमारे को ये श्योर कर रही है कि ये प्रेजेंट टेंस का ही है, और प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि टाइम आया है और टाइम के साथ में सिंस और फोर भी आया है, ठीक है। तो
हम क्या करेंगे, माय मदर सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग किया, फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। देखो सेकंड सेंटेंस क्या कहता है कि द डॉग्स डैस बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना इन द स्ट्रीट सिंस मिडनाइट। अब देखो यहां कॉमा से पहले एक सेंटेंस है, फिर हम आगे बढ़े तो एक सेंटेंस और दिया हुआ है, क्या कहता है, व्हाट इज द मैटर। तो इसमें आप देखें इसका प्रयोग किया है तो श्योर है प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। और पहला जो सेंटेंस है उसमें आप देखें टाइम है और टाइम के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग है, ठीक है ना। तो ये हमारे को श्योर कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो यहाँ आप देखें कुत्ते जो है वो एक है या ज्यादा है, तो ज्यादा है इसलिए हमने क्या यूज किया, हैव, फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, ठीक है ना, जिसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट थोड़ा सा लेंथी था इसलिए पार्ट फर्स्ट में डाल दिया, फिर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हमने सेकेंड पार्ट में ले लिए। अब इसी तरीके से हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगले वीडियो में इसी तरीके से सीखेंगे और करेंगे। आप थोड़ा सा क्या करें, कोई भी गाइड ले लें और उसमें जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो जिससे ड्रिल मिलेगी, बार बार अभ्यास करोगे और ये चीजें आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।